लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ए स्क्वायर माइनस दो गए है, दो को बी है, तो टू ए भी लिखेंगे। क्या बात, प्लस बी स्क्वायर सिद्ध हो गया। कैसे इन्होंने प्रूव कर दिया? और ये की है सरल रेखा जो एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद। कौन कौन? स्वर संधि, मेधा संधि, मिसाल संधि। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह होता है। अभी जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, ये बच्चा पढ़ा रहा है। मैं बता दूं आपको, इस बच्चे का उम्र मात्र 8 साल है और तीसरे क्लास में पढ़ता है। और देख सकते हैं ये 10वें तक के बच्चों को पढ़ा रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, अलग अलग क्लास के बैठे हुए हैं, उसको ये बच्चा पढ़ा रहा है। ये बच्चा को आपने देखा होगा, ये बच्चा आजकल खूब वायरल हो रहा है। ये बच्चे के बारे में बता दूं, इसका बच्चे में इतने टैलेंट है कि सोनू सूद भी हैरान हो गए थे इसका टैलेंट देख के। मैं इसे बात करूंगा, जानूंगा कि कैसे इतने कम उम्र में इतने सारे बच्चों को पढ़ाना सीख लिया। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बॉबी राज है। बॉबी राज है। कितने क्लास में पढ़ते हैं आप? 3 क्लास में। यहाँ पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? कितने क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 10th तक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप पढ़ते तीसरा में है या देखने में इतना छोटू से दिख रहे हैं, और कैसे पढ़ा लेते हैं? हमको पढ़ाया गया है तो उसी को हम पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ाते हैं। क्या बात है, किसने पढ़ाया आपको? टीचर और मम्मी और पापा। मम्मी और पापा ने और टीचर ने पढ़ा दिया। देख सकते हैं इतना छोटा सा है, 2 फीट का है और नीचे टेबल भी लगा हुआ है। इतने छोटे होने के बावजूद भी बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा है। बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बिहार में हमेशा ऐसे ऐसे टैलेंट निकल के आते हैं जिसे देख कर सुनकर हमारा देश कहीं हमेशा चकित होते रहता है। देखिए, मैं मिलवा रहा हूँ आपसे एक छोटे से बच्चा का जिसका नाम बॉबी है। और बॉबी जब पटना गया था तो सोनू सूद से मिला था। सोनू सूद से मिला था? क्या बोला था सोनू सूद से? वेलकम टू भैया सोनू सूद और तमाम माता और भाई बहनों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ बोलने का मौका मिला है। अच्छा। ये तो भैया सोनू सूद और भैया मनीष कश्यप के द्वारा दिया गया हिम्मत है। इन्होंने तो हम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह हमारे सिर पर हाथ ही रख दिया है। ये बच्चा जो देख रहे हैं ये सोनू सूद से भी मिल चुका है, और सोनू सूद कहीं ना कहीं इस बच्चे को देख के हैरान हो गए थे, सोचने पर मजबूर हो गए थे। इस बच्चे की कहानी ये है कि बच्चा बहुत गरीब है और इसके माता पिता भी देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। ये पिता है जो दिव्यांग है, एक पैर से है, इनका एक पैर में पोलियो मार दिया। एक माता है जो इनको पढ़ा लिखा कर ऐसा बना दी है जो तीसरे के होने के बावजूद मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहा है। बच्चा कैसे पढ़ा लेते हो? हमको पढ़ाया गया है तो। इतने छोटे हो, बड़े बड़े बच्चे बात सुन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को बना लोगे? अच्छा एक बात बताइए, आप पिता है इनके? हाँ पिता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार, आप इनके माता है? जी। एक बात बताइए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन से क्लास का है? क्लास 9th का। 9th का है? अच्छा, 9th के क्लास का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बना लोगे? तो सब बना के दिखाओ जल्दी से। देख सकते हैं बच्चे का जो दिमाग है कितना तेज चलता है, और ये कैसे ये जो क्वेश्चन इसको बना के दिखाएगा। पहले क्वेश्चन के बारे में बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है क्वेश्चन, जब दो सरल रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। क्या बात? कहता है दो सरल रेखा है जो एक दूसरे का किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक ये सरल रेखा हो गया और एक ये सरल रेखा जो एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका नाम है ओ बिंदु। और ये कौन है? एक कौन? और ये है दूसरा कौन? और ये है तीसरा कौन? और ये है चौथा कौन? तो अब समूह का नाम को सिद्ध करना है, इसका नाम रख लेंगे ए बी सी डी। क्या बात है, सिद्ध करना है समूह कौन? समूह कौन सिद्ध कौन कौन होता है? आमने सामने का कौन जो होता है वो समूह कौन होता है? इस बच्चे का टैलेंट देखिए कितना फटाफट पढ़ा रहा है और अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? हाँ। क्या पढ़ा रहे हैं ये? वो प्रूफ करने के लिए बता प्रूफ करने के लिए बता रहे हैं। आप कौन से क्लास में है? 9th क्लास में। अब 9th क्लास में है और कहीं ना कहीं जो बच्चा है तीसरे क्लास में पढ़ता है, तीसरे क्लास के बच्चे से पढ़ते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कौन से क्लास में है आप? 6th में है। और तीसरे क्लास के बच्चे से पढ़ते हैं, डर लगता है सर से? पढ़ा लेते हैं सारा चीज, समझ में आ जाता है? हाँ। समझ में आता है?
यस सर। पूरा समझ में आता है? यस सर। देखिए इनके माता पिता है जो काफी गरीब है, मैं बता दूं इनके बारे में, एक गरीब घर का बच्चे को इतने माँ बाप ने ऐसा पढ़ा दिया है कि बच्चा देखिए कैसे फटाफट जो गणित के सवाल है उसको सॉल्व कर रहा है। मैं चाहता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, मैं समझ गया, बना लीजिएगा, एक मिनट बताइए कैसे बच्चों को पढ़ाया आप? हम बस इसको खेल खेल में, ये सब बच्चों का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये सब बच्चा जितना टैलेंटेड है उतना ही ये सब बच्चा भी टैलेंटेड है, सिर्फ मेरे अभाव में ये क्लास ले लेता है, कभी ये नहीं रहता तो अगला विद्यार्थी भी क्लास ले लेता है। ये नहीं कि दूसरे विद्यार्थी के पास क्षमता नहीं है, क्षमता सब में है, खाली मतलब कि उभारने की जरूरत है, बस मतलब कि ये दूसरा विद्यार्थी भी सॉल्व कर लेता है। अच्छा, ये फॉर्मूला को प्रूव कर लेगा 9th क्लास का? हाँ, कर लेगा। मैं चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला अभी लिखिए, जल्दी से लिखिए, और ये देखते हैं कैसे प्रूव करता है। जी हाँ, देख सकते हैं ये जो बच्चा है इसके पिता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं और ये प्रूव करके दिखाएगा, दिखाएगा। अच्छा सर, तुमको सब पता है, माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रूव कर लेगा पक्का? देखिए कह रहा है कर लेंगे, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। चलो स्टार्ट हो जाओ, इसको लिखेंगे एल एम को, इसको सिद्ध करना था, लिखेंगे LHS से। LHS, अच्छा LH से, अभी LHS यहाँ तो इसको उतार लेंगे, ये माइनस बी के होल स्क्वायर, अभी ये माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि क्या बात, दो को तो दो, इसको दो को लिख लेंगे, क्या बात, ए माइनस बी और ए माइनस बी, अब ये क्या हो गया गुणनफल, तब गुणनफल हल करेंगे, ए को गुणा करना ए माइनस बी से, तो लिखेंगे ए इंटू ए माइनस बी, और माइनस बी को गुणा करना है ए माइनस बी से, तो लिखेंगे माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको गुणा करेंगे तो ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, अब ए को बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी, अब माइनस बी को ए से गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह का गुणा होगा, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, अब बी को ए से गुणा करेंगे तो बी ए, और फिर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, बी स्क्वायर, अब इधर को जो आएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस दो गए है और दो को बी है तो टू ए बी लिखेंगे, क्या प्लस बी स्क्वायर, सिद्ध हो गया। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए इस बच्चे के लिए, कैसे इन्होंने प्रूव कर दिया, इतना छोटा बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि काबिले तारीफ है। इनके पिता है, इनके माता है, मैं चाहता हूँ कि इनसे कुछ सवाल करें, मैथ के अलावा भी और क्या क्या जानते हैं? ये मैथ के अलावा बेसिक में बेसिक हिंदी भी जानता है, बेसिक इंग्लिश जानता है। संज्ञा पूछेगा बता देंगे दोगे, बताओ। किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और क्या जानता है व्याकरण में? सर्वनाम। बोलो। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बताइए। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद। कौन कौन? स्वर संधि, मैदा संधि, मिथक संधि। क्या बात है, और क्या याद है? तो व्याकरण हो गया, इसके अलावा जनरल नॉलेज का भी याद है? हाँ, जनरल नॉलेज भी याद है। चलो बताओ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। क्या बात है। भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। क्या बात है। चलो बताओ, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा का राजधानी कहाँ है? हरियाणा की चंडीगढ़। दोनों का चंडीगढ़ है, क्यों? हमको नहीं, नहीं मालूम है। देखिए इनकी मम्मी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, और इनसे और भी सवाल पूछिए, जैसे तो जनरल नॉलेज हो गया, व्याकरण हो गया, और क्या जानते हैं? ये संस्कृत भी जानता है। संस्कृत भी जानता है? हाँ, क्या बात है, पूछिए जरा। संस्कृत में बताओ लकार किसे कहते हैं? लकार, लकार जिससे किसी क्रिया की स्थिति अवस्था का पता चले। अच्छा क्या बात है, और पूछिए। लकार में लट लकार के बारे में जानते हो? लट लकार किसे कहते हैं? जिससे जिस क्रिया की अवस्था जारी अवस्था में रहे उसे लट लकार कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है? पहचान जिस क्रिया के अंत, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती होते है, इत्यादि लगा रहे, वे सभी वाक्य का संस्कृत अनुवाद, वे सभी वाक्य का संस्कृत अनुवाद लट लकार में करते हैं। लट लकार के नियम क्या होता है अनुवाद करने का? तीता अंति सीता था आमी आवा आमा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये ट्रांसलेशन भी बना लेता है संस्कृत का? हाँ हाँ बना लेता है। वह पढ़ता है क्या? संस्कृत। संस्कृत सब पढ़ती। क्या बात है। पेड़ से पत्ता गिरता है? पेड़ से पत्ता गिरता है। वृक्षात पर्णम पतती। मैं घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ। अहम जाता हूँ।
अच्छा मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, इसका बताओ संस्कृत। ट्यूशन पठानी। क्या बात है, यहाँ सारे बहुत अच्छा। इनसे इंग्लिश का भी ट्रांसलेशन याद है, सब पूछेगा जरा। मेरे पास एक घोड़ा है। मेरे पास एक घोड़ा, आई हैव ए हॉर्स। अरे वाह। अच्छा, मेरे पास एक कलम है। मेरे पास आई हैव ए पेन। मैं ही तो हूँ। इट इज आई। वह पढ़ता है। वह क्या चीज? वह पढ़ता है। पढ़ता है टेंस में। ही पढ़ता है। मेरा नाम बॉबी है। My name is Bobby. Acha tumhe introduction dene aata hai? Do to apna introduction. Good evening. Ma, good. Sam ho raha hai, good evening. Theek hai, aage. I would like to tell you something about myself. My name is Bobby Raj. I did in class 3. I did in class 3. Therefore my mother's name is Rajkumar Mahato. He is a teacher. My mother's name is Chandrakumar Mahato. She is a teacher. क्या बात है, थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 8 साल के बच्चे का हुनर देख लीजिए, ये इतना इनके माँ बाप ने पढ़ा लिया है कि एक पैकेज हो गया है, पूरा का पूरा डिक्शनरी हो गया है। इसे कुछ भी पूछ लीजिए, फटाक से जवाब दे देता है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और क्या जानते हो? मैं अपने पिता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, कहो। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा, अपनी जिंदगी में रंग करके तुम्हारी जिंदगी में हर रंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बात पूछेगा, तुम्हारी एक मुस्कान के लिए अपनी हर मेहनत की कीमत को तौलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है। और जोर से बोलना। तुम्हें रिनकोट पहना के खुद बारिश में भींगेगा, तुम्हें पलंग पे सुला के खुद ठंडी जमीन पे सो जाएगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है। और जैसे उसे किसी भी चीज की कमी नहीं, तुम्हारे एक तरफ दीर सवारने के लिए वो अपनी हाथों की लकीर धो लेगा। क्या बात है, क्या बात है। हो गया। देखिए छोटे से बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि इसको अगर सही से गाइडेंस दी जाए ना, तो कहीं ना कहीं बच्चा नाम करेगा, बिहार का नाम करेगा और इस अपने पिता और माता का नाम करेगा। ये जो मेहनत देख रहे हैं, ये जो बोल रहा है, इसके पीछे जो मेहनत है, इनके पिता और माता का है। क्या बनना चाहते हो? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बन जाओगे? वैज्ञानिक बन के क्या करोगे? वैज्ञानिक बनकर मदद करेंगे। किसको मदद करोगे? सबको मदद करोगे। अच्छा, वैज्ञानिक जो लोग होते हैं वो आविष्कार करते हैं, तुम भी आविष्कार करोगे? क्या आविष्कार करोगे? जिस चीज की अभी जिस टेक्नोलॉजी में कमी होगी उसको आविष्कार कर दोगे। वाह वाह। अब इसका जो बच्चा है वैज्ञानिक बनना चाहता है, कैसे बनाएंगे? कोशिश करेंगे पूरा, मतलब कि वैज्ञानिक अगर जो ये चाह रहा है, हम तो इसके प्रयास को मतलब कि सफल करने का कोशिश करेंगे। ये बच्चा अभी से ही ट्यूशन पढ़ा रहा है क्या? जी, मतलब एक दूसरे में जो है सो कंपटीशन की भावना है, और हर एक बच्चा पढ़ता है और उसको पढ़ा लेते, भूलता भी है, ऐसा नहीं है कि पिछला नहीं भूलता है, भूलता भी है, लेकिन जो पढ़ता है इतना अच्छी तरह से उसको समझता है कि दूसरे को जिस प्रकार से उसको समझाया गया उस प्रकार से समझा भी देता है। हाँ, अच्छी तरह से। अच्छा, तुम्हारे जैसे बच्चा बहुत देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? बहुत बदमाशी करते हो, पढ़ाई नहीं करते हैं, गेम खेलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? मैं कहेंगे कि वो ठीक बोलो कैमरा में। हाँ, हम यही कहेंगे कि और वो अभी सभी पढ़े और अभी से ही सुधर जाए, अभी से ही सुधर जाएंगे तो कुछ ना कुछ बनी जाएंगे, अगर आगे चल के सुधरे तो कुछ ही नहीं हो पाएगा। क्या बात है, इतना छोटा सा बच्चा है, क्या बोलना चाहते हो? लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। इतना छोटा बच्चा है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है कि बड़ा बड़ा इंसान भी हैरान हो जाएगा। कहीं ना कहीं सोनू सूद भी इनसे हैरान हो गए थे इनकी बातों को सुनकर। और सोनू सूद चाहेंगे पढ़ाने के लिए तो पढ़ लोगे? जाओगे बाहर पढ़ने के लिए, यही पे रहोगे? अभी यही पे रहेंगे। अभी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मन है? बड़ा होने के बाद। अच्छा,
देखिए जो बच्चा है कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट की जरूरत है। अगर बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर शेयर करेंगे तो ये वीडियो कहीं ना कहीं एक जैसे कि सोनू सूद है, बहुत सारे समाज सेवी है, उनके पास पहुंचेगा, उस बच्चे को मदद होगा। इससे पहले भी एक बच्चा नालंदा का था, सोनू था, उसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ था। अगर इसको भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाए ना तो कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन करेगा। बहरहाल इस बच्चे को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स जरूर लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।